हल्द्वानी से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कालाढूंगी रामनगर मार्ग स्टेट हाईवे 41 को बड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया है। ये मार्ग पिछले हफ्ते भारी बारिश के दौरान पुलिया के बाहर जाने से बाधित हो गया था, जिससे रीस्टोर करने का काम भी किया जा रहा था, लेकिन अगले ही दिन भारी बारिश के चलते रीस्टोर का काम बाधित हुआ। वहीं वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया था। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के मुताबिक बाधित हुई सड़क को पूरी तरह से रीस्टोर कर लिया गया है, वाहनों का आवागमन भी सही ढंग से हो रहा है। वहीं स्टेट हाईवे 41 पर बड़े वाहनों की आवाजाही भी हो रही है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सड़क पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जिस पर यातायात बेहतर रूप से चल रहा है। दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। स्टेट हाईवे 41 कालाढूंगी रोड, जहां चकुलवा के पास एक पुलिया हमारे आधी अबटमेंट का क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको उसी समय ही ठीक कर लिया गया था। और आप लोग विदित हैं कि उस रात फिर बहुत बारिश, लेकिन उसको नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने रिस्टोर कर दिया है। अब हमने प्लम कंक्रीट से का निर्माण किया और बिल्कुल ठीक है, और उसमें हमने बड़े वाहनों को भी उनकी आवाजाही सुनिश्चित करा ली है। अब किसी प्रकार से कोई यातायात में व्यवधान नहीं है, सभी वाहन सुचारू रूप से चल रहे हैं।